इस बहन का नाम अंजिला गोयारी है। ये बता रही है कि ये आसाम की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल ये वसई में रह रही है। और इनको गए 10 से 12 सालों से दुष्टात्मा का प्रभाव था, और वो प्रभाव इतना ज़्यादा उनके ऊपर हावी होता था कि उनको ऐसा महसूस होता था कि दुष्टात्मा उनके ऊपर अटैक करने के लिए, गला दबाने के लिए आ रही है। और उस समय पर वो एकदम लाचार हो जाती थी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। ये परेशानी उनको गए 10 से 12 सालों से शुरू थी, लेकिन 2019 में ये बहन पहली बार यहाँ प्रार्थना में आ गई। इन्होंने यहाँ से बाइबल लिया और इन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, जिससे प्रभु का वचन इन्हें मालूम होते गया और प्रार्थना में ये बढ़ती गई, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने लगी। और बता रही है कि अभी 3 साल हो गए हैं, इन्हें ऐसा दिखाई देता है कि जो दुष्टात्मा उनका गला दबाती थी, वो दुष्टात्मा उनके पास आ रही है गला दबाने के लिए, लेकिन एक सफेद कपड़े में एक मनुष्य बीच में आ जाता है और वो दुष्टात्मा से प्रभु इनको बचाता है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। वैसे ये बहन बता रही है कि इनकी शादी को गए 5 से 6 साल हो गए, बच्चे रहते नहीं थे, गर्भ में ही खराब हो जाते थे, और दुष्ट आत्मा ने इन्हें सपने में भी बताया कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। लेकिन जब इन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करनी शुरू कर दी और प्रभु के अनुग्रह से ये बहन गर्भवती हो गई, और अभी प्रभु ने इनको ये सुंदर बेटी दे करके आशीषित किया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन जी, आपकी गवाही बताइए, आपको दुष्ट आत्मा की वजह से क्या महसूस होता था? मैं बहुत तकलीफ थी, बहुत कमज़ोर होती थी, और हमेशा मैं रोज़ सोने भी नहीं सकती थी। मैं रोज़ रोज़ रात में बैठी थी, कभी क्या करूँ क्या ना करूँ, सोई भी ना, मैं ऐसे बैठी जा रही थी। मतलब आप ऐसा रात भर बैठी रहती थी, क्या करूँ कुछ समझता नहीं था? कुछ समझ में नहीं आता था, क्या करूँ, तुम नींद आ जाऊंगी, मैं ऐसे उठी थी। फिर बैठे बैठे कभी ठका बन के बनते थे, कभी चाय टेप बना के पीते थे, ऐसे होते थे। फिर मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे रात बीतेगा, ऐसे होते थे। जब सुबह हो गया, उठने का टाइम हो गया, तो कितना गहरी नींद आ जाती थी। ऐसे होते होते मेरा बहुत हालत कमज़ोर हो गया, कमज़ोरी बहुत आया है। 5 से 6 साल का बच्चों में मेरे को मार के ख़त्म करने सकेगा, ऐसे हो गया है मेरा हालत। फिर यह प्रार्थना में आके मैं रोज़ बाइबल पढ़ने लगी, आज मेरा ये सब प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया है, और ये सब सपना आता है, फिर भी डरने का जरूरत नहीं है। अभी आपको डर नहीं लगता, और आप बता रहे कि दुष्ट आत्मा आपका गला दबाती थी। हाँ, मेरे को हमेशा दबाती थी, और एकदम गहरे नींद आता है और मेरे को दबाता है, मैं उठ नहीं पाती थी, किसका नाम लो ऐसे हो जाती थी। अभी किसी का नाम लेने भी जरूर नहीं पड़ता, सोते समय हम प्रार्थना करके सोता है, बाइबल पढ़ के सोता है हमेशा, और अभी मेरा ये सब कुछ तकलीफ नहीं है। और जिस समय आपको ऐसा दिखता है कि दुष्ट आत्मा आपके पास अभी गला दबाने के लिए आ रहे हैं, उस समय पे क्या आपको दिखाई देता है? दिखाई देता है वो किसी इंसान का चेहरा दिखता है, कभी औरत हो या कभी आदमी, कोई भी किसी का भी चेहरा दिखता है। और फिर एक सफ़ेद कलर का कपड़े में कोई मनुष्य आपके पास आ जाता है। मेरे को जब दबाने आता है, कभी किसी कभी चेहरा लेके आता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कभी सफ़ेद कपड़ा पहन के मेरे बीच में घुस जाता है, मेरे पास खड़ा होके मेरे को रुक लेता है, ये बहन को छोड़ दो बोल के, और तुरंत है मेरे को छोड़ देता है और मैं जाग जाता है। ऐसा मतलब प्रभु यीशु आपको बचाता है, बचाता है, और प्रभु ने आपको ये सुंदर बेटी देकर के आशीषित किया है। हाँ, मेरे को और बच्चा रुकता है और बच्चा भी नहीं मिलता था। फिर मेरा एक बार दूसरी बार आया तो मेरा गोद भर दिया और मेरा बच्चा भी मिल गया है। उन्हें सुंदर बेटी दी है जी, और मैं इस बार सोचा है उसके बाद इस बार देगा तो ईश्वर का आशीष है, मिलेगा ये बच्चा को। मैंने ये मन में सोचा था, कस ऐसा ही हो गया, वैसा ही हो गया, जैसा सोचा वैसा हो गया, प्रभु ने आपकी इच्छा पूरी की। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।